देखिए, वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री से लेकर के चुनाव में कैंडिडेट के सिलेक्शन पर बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले करती ही रही है, ये हमने देखा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब दिग्गजों को दरकिनार करके बीजेपी ने उन नेताओं को मौका दिया है जिनके नाम किसी फहरिस्त में दूर दूर तक नहीं रहे हैं। लेकिन दिल्ली में नए चेहरों की राजनीति आजमाने वाली बीजेपी में यूपी में अगर बात करें तो ज्यादातर पुराने दिग्गजों पर ही भरोसा क्यों जताया गया है, ये आप जानना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ये वो सूबा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार से सांसद हैं, और यही वो राज्य है जहां इस बार बीजेपी ने 80 में से 80 सीटों पर परचम लहराने का प्लान तैयार किया है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या पहली लिस्ट में बीजेपी को यूपी फतेह का फॉर्मूला मिल गया है। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें 9 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 नए चेहरों को टिकट मिला है जबकि 47 पुराने चेहरे हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में 80% कैंडिडेट बदलने वाली बीजेपी ने यूपी में पुराने दिग्गजों पर ही दांव क्यों लगाया है। सिर्फ 4 नए उम्मीदवार उतारे हैं, उन्हें भी उन सीटों पर मैदान में उतारा गया है जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में चुनाव जीत नहीं पाई थी। मसलन श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्रा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, नगीना से ओम कुमार और अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि रितेश पांडे 25 फरवरी को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। हफ्ते भर में ही रितेश पांडे को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ ऐसा ही किस्सा जयंत चौधरी का भी है जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, एनडीए में शामिल होने की औपचारिकता पूरी की। खबरों की माने तो बीजेपी और आरएलडी में सीटों को लेकर समझौता हो गया है और बीजेपी ने यूपी के बिजनौर और बागपत की सीट आरएलडी को दे दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने पुराने दिग्गजों पर ही दांव लगाया है। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में कई सरप्राइज हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे तेलंगाना में कई चौंकाने वाले नाम हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी ने 9 कैंडिडेट के ऐलान कर दिया है जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम माधवी लता का है। जिस हैदराबाद से ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही है, वहाँ की गलियों कूचों और चौराहों तक में ओवैसी भाईजान के कद्रदान मिल जाते हैं। जिस हैदराबाद सीट पर 4 दशक से ओवैसी खानदान का कब्जा है, डॉक्टर माधवी लता उसी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी हैं। धर्मो रक्षते रक्षते 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। हैदराबाद लोकसभा सीट को AIMIM का गढ़ माना जाता है। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ही AIMIM के पास है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या माधवी ओवैसी खानदान के सियासी मिल्कियत में सेंध लगा सकती हैं? माधवी लता का विरिंची नाम का अस्पताल है, वो इस अस्पताल की चेयरपर्सन है। इसके अलावा माधवी लता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी छवि हिंदू समर्थक नेता की है। माधवी लता कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। परिवार का भी राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, लेकिन 3 तलाक के खिलाफ अभियान चलाकर माधवी लता सुर्खियों में आ गई थी। या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है, ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है उनका है, ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट, और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना वो राज्य है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और इसकी वजह भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 17 में से 4 सीटें जीती थी, तब पार्टी का वोट प्रतिशत 19.45% रहा था। 2024 में बीजेपी तेलंगाना में अपनी सीटों को डबल डिजिट में ले जाना चाहती है। यही वजह है कि हर तरह के समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है जिसे बीबी पाटिल को मिले टिकट से समझा जा सकता है। 1 मार्च को बीबी पाटिल BRS छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2 मार्च को बीबी पाटिल को बीजेपी ने जहीराबाद से उम्मीदवार बना दिया।
बीबी पाटिल 2014 और 2019 में जहीराबाद सीट से सांसद रहे हैं, लिहाजा उन्हें उसी सीट से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ऐसा ही एक चौंकाने वाला नाम अब्दुल सलाम का भी है। अब्दुल सलाम कालीकट यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तिरूर सीट से चुनाव लड़ा था, नतीजों में तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी को एहसास है कि 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए हिंदी पट्टी के साथ ही दक्षिण के पॉलिटिकल पासवर्ड को भी डिकोड करना जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार दक्षिणी राज्यों का दौरा करते रहे हैं और अब एक बार फिर वहां जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।